वेलकम इन टेक्निकल एग्रीकल्चर फार्मिंग। आज हम यहाँ पर बहुत सारी टूल्स के बारे में जानेंगे। जो लोग खेती के जो टूल्स होते हैं या खेती से रिलेटेड जो सामान होता है, टूल्स होते हैं, उनके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी। खेती के औजार के नाम और चित्र हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। फार्मिंग टूल्स नेम नंबर एक पे आता है हसिया। इसका काम होता है घास काटना, फसल की कटाई करना, खरपतवार की सफाई करना, सब्जी या फल काटने के ये काम आता है। चित्र में आप इसको देख सकते हैं। यह बहुत ही धारदार कृषि औजार है जो कि बहुत ही पुराने समय से इसका उपयोग होता आ रहा है। कुछ हसिया ऐसे भी होते हैं जिन पर छोटे छोटे दांते बने होते हैं और कुछ हसिए बिना दांते वाले भी होते हैं। कुछ खेती के औजार यहाँ पर हैं जो आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है खुरपी। खुरपी के क्या काम होते हैं, चलिए देख लेते हैं। खुरपी का उपयोग, खुरपी से खरपतवार की निदाई की जाती है, घास की जड़ से उखाड़ने में उपयोग किया जाता है। घास को जड़ से उखाड़ने में इसका उपयोग होता है। मिट्टी को उलट पुलट करने के काम आता है। किसी पौधे को उखाड़ने में या पौधे को लगाने में या गड्ढा खोदने में या पौधे लगाने में भी इसका उपयोग होता है। कुल्हाड़ी एक प्रसिद्ध औजार है और लगभग हर किसान के घर में यह पाया जाता है। कुल्हाड़ी का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। कुल्हाड़ी का उपयोग काटने के लिए किया जाता है। यह लोहे का बना होता है जिसका एक सिरा पतला और धारदार होता है, दूसरा सिरा भारी होता है और इनके बीच एक छेद बनी होती है जिसमें लकड़ी का एक लंबा हैंडल लगा होता है। यह कृषि औजार भारी लट्ठों, लकड़ियों और अन्य कठोर चीज़ों को काटने में उपयोग होता है। कुल्हाड़ी की तेज धार भारी और मोटी लकड़ियों को आसानी से काटने में मदद करती है। अब हम इसके यूज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। सबसे पहले लकड़ी काटने में इसका उपयोग होता है। लकड़ी को शेप देने में, आकार देने में, पेड़ की शाखाओं की कटाई करने में, लकड़ी को फाड़ने के लिए, इसके भारी सिरे का उपयोग ठोकने के लिए भी कभी कभी किया जाता है। कुल्हाड़ी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हजारों सालों से किया जा रहा है। यह मानव सभ्यता का सबसे लंबा चलने वाला हथियार है जिसका उपयोग आज भी हो रहा है। नंबर चार है फावड़ा। फावड़े को फरसा भी कहा जाता है। इसका उपयोग मिट्टी खोदने में किया जाता है। किसानों के लिए यह बेहद उपयोगी औजार है। गांव में फावड़ा हर किसान के पास होता है। यह लोहे या स्टील के चौकोन प्लेट से बना होता है जिस पर लकड़ी का हैंडल लगा होता है। फावड़े को खड़े होकर उपयोग किया जाता है। इससे मिट्टी खोदने और बाहर निकालने का काम एक साथ किया जाता है। इसका उपयोग खरपतवार साफ करने में भी किया जाता है। छोटे स्थान पर जहाँ पर जुताई नहीं किया जा सकता, वहाँ फावड़े से काम लिया जाता है। सब्जी आदि उगाने के लिए, क्यारियाँ बनाने के लिए, क्यारी से खरपतवार साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फावड़े के यूजेस देखेंगे हम, इसके उपयोग क्या क्या हैं। खुदाई करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए, खरपतवार की निदाई करने के लिए, मिट्टी हटाने में फावड़ा उपयोगी होता है, समतलीकरण में फावड़े का उपयोग किया जाता है, क्यारी बनाने में इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हल। हल भी बहुत पुराना है, आप यहाँ पर बात करते हैं, चलिए देखते हैं। हल पारंपरिक खेती के औजारों में सबसे प्रमुख है। यह खेती में इस्तेमाल होने वाले सबसे पुराने घरेलू उपकरणों में से एक है। हल से खेतों में जुताई की जाती है। हल चलाने के लिए मुख्य रूप से बैलों, भैंसों या घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। शुरुआत में हल पूरी तरीके से लकड़ी का बना होता था। लोह युग 1200 से 600 ईसा पूर्व में लोहे के ब्लेड वाले हल का उपयोग शुरू हुआ। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल में हल के उपयोग के निशान मिलते हैं। इसका मुख्य कार्य बीज बोने से पहले खेतों की मिट्टी को उल्टा करना और मिट्टी की गांठों को तोड़ना है
ताकि उपमृदा में पोषक तत्व ऊपर तक उठ सकें। हल का उपयोग खेत की जुताई करना, मिट्टी को उलटना पलटना, खरपतवार को निकालना, मिट्टी को नरम बनाना है। कुदाल की बात करेंगे। किसानों के लिए फावड़े की तरह कुदाल भी एक महत्वपूर्ण कृषि औजार है। कुदाल की बनावट फावड़े की तरह ही होती है, लेकिन यह फावड़े से अधिक नुकीला होता है। कुदाल का उपयोग गड्ढे खोदने में भी किया जाता है। इससे छोटे स्थानों से खरपतवार हटाए जा सकते हैं और सफाई की जा सकती है। कुदाल का उपयोग कर नाली और क्यारियाँ बनाई जाती हैं। कुदाल का उपयोग छोटे स्थानों से खरपतवार हटाने में होता है, गड्ढे खोदने में होता है, क्यारियाँ बनाने में किया जाता है। भूमि को समतल बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। बेलचा। बेलचा भी खेती बाड़ी में काम आने वाला एक कृषि औजार है। बेलचा का उपयोग भी फावड़े की तरह ही किया जाता है। इससे मिट्टी खोदने, मिट्टी हटाने जैसे काम किए जाते हैं। इसका ब्लेड अधिक चौड़ा होता है और स्टील या प्लास्टिक का बना होता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। इसके साथ ही इसमें लकड़ी का लंबा हैंडल होता है, जिसे दोनों हाथों से पकड़ा जाता है। खेती के अलावा इसका उपयोग कई जगहों में होता है, जैसे घर या रोड कंस्ट्रक्शन, कोयले की खदान, बर्फ वाले क्षेत्र में अधिकांश रूप से इसका उपयोग किया जाता है। और ज़्यादातर इसका उपयोग मिट्टी, बालू और बर्फ़, इन चीज़ों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मिट्टी, रेत, बर्फ़, अयस्क आदि को खोदने और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने या वहाँ से हटाने के लिए किया जाता है। बेलचा का उपयोग मिट्टी खोदने में, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, रेत, अयस्क, बर्फ आदि को हटाने के लिए, कचरा साफ करने के लिए और मलबा उठाने के लिए किया जाता है। हजारा क्या है? हजारा सिंचाई करने का उपकरण है, जिसका उपयोग किसान के द्वारा मुख्य रूप से छोटे खेतों या बागवानी के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसका उपयोग कृषि भूमि की सिंचाई के लिए भी किया जाता है। यह एक पारंपरिक कृषि उपकरण है। इसकी बनावट कुछ इस तरह होती है कि एक कंटेनर में कई सारे छेदों वाला एक फनल होता है, जिससे पानी गिराया जाता है और फसल और पौधों में बराबर मात्रा में पानी की सिंचाई हो जाती है। इसे पानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और हाथ से पकड़कर इसका उपयोग किया जाता है। इस कृषि उपकरण से पानी का बर्बाद किए बिना ज़रूरत के अनुसार पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद मिलती है। हजारा का उपयोग पौधों को पानी देने में, फसलों को सिंचाई करने में, सिंचाई में कम पानी का सही तरीके से उपयोग करने में, दवाओं का छिड़काव करने में, खेती में काम आने वाले उपकरण और औजारों के नाम और उनकी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि किसी अन्य औजार के बारे में आपको जानकारी है तो कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर फार्मिंग के साथ। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना होगा। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दैट्स ऑल।